ठीक है। इस तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग कैसे मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करते हैं। देखिए मैजिक वॉन्ड टूल नाम से पता चल रहा होगा, मैजिक मतलब ये मैजिक की तरह काम भी करता है, जादू की तरह। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट होता है वाई और आप टूल बार से सिलेक्ट करेंगे तो इसका आइकन ये होता है मैजिक वॉन्ड टूल का। इसके यूज से हम लोग कैसे किसी भी डिजाइन को जो है सो सिलेक्ट करके किसी भी कलर को चेंज करते हैं या फिर बनाते हैं, इसके इस टूल की हेल्प से आज हम जो है सो जानेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बेसिकली होता कहाँ कहाँ है। तो इस टूल का यूज बेसिकली देखिए तीन चार जगह होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए ये हमारे सामने एक पैटर्न है, पूरा एक डिजाइन बना हुआ है, तो अब इस डिजाइन में मुझे क्या करना है, किसी भी कलर को जो है सिलेक्ट करके अगर मुझे उसके कलर को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस डिजाइन को हम क्या करते हैं फिलिपिंग मार्क से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक डिजाइन है, इसके बैकएंड में जो रेक्टेंगल है इसको भी हम लोग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास ये एक डिजाइन है, आई थिंक ये कलर क्लिपिंग मास्क नहीं हो रखा होगा, नहीं हो रखा है, ग्रुप हो रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको अनग्रुप कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी करके इसको अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के बाद क्या हो गया, हमारा ये जो है सो सारा पार्ट अलग अलग हो गया। पहले ये क्या था, ग्रुप कर रखा था हमने, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन रखा था, अब क्या है ये सारा अलग अलग हो रखा है। ठीक है, तो अब हम जो है क्या करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करके इस डिजाइन में जो है इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे कुछ कुछ इसके जो है पैटर्न को। आप सपोज मानिए मुझे जो है इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक कलर का मतलब डिफरेंट टाइप का जो शेप दिख रहा है यहाँ पे। सपोज मुझे अगर इस कलर को, जैसे ये सारा कलर है, ये कलर है, इस कलर को अगर मुझे चेंज करना है इस पैटर्न में से, तो हम क्या करेंगे एक एक करके चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल में कोई और कलर फिल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको जैसे ये सारा कलर है, जो भी ये कलर है, इस कलर को हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे आई टूल लेंगे और एक एक करके चेंज करेंगे इसको। तो हमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। जैसे अगर हम इसको सिलेक्ट किए फिर से चेंज करेंगे, या फिर शिफ्ट के साथ अगर हम सबको सिलेक्ट करेंगे सबको चेंज करेंगे, तो हमें क्या है बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी चेंज करने में। हाँ, तो देख रहे हैं एक एक करके कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सबको मुझे सिलेक्ट करना पड़ रहा है सबको। उसके बाद जो हम क्या करेंगे आई ड्रॉपर टूल लेंगे, फिर उसके बाद जाकर के जो है इसको इसके कलर को चेंज करेंगे। तो कितना ये टाइम इंगेजिंग चीज है, देख रहे हो आप कितना टाइम इंगेज हो रहा है इसमें। बट यहीं पे अगर इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं सबसे पहले, कंट्रोल जेड करने के बाद अगर हम ये मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, अगर हम एक प्रॉपर किसी एक कलर को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, तो क्या हो गया हमारा जितना भी कलर है इस आर्टवर्क के अंदर वो क्या हो गया सिलेक्ट हो गया एक बार में। हाँ, अब हम क्या करेंगे आई टूल लेंगे, इसको पर कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा जितना भी कलर है, देखिए जिस कलर को अभी हम सिलेक्ट करना मतलब चेंज कलर चेंज करना चाह रहे थे, वो क्या होगा जस्ट एक क्लिक में, एक मतलब एक मैजिक वॉन्ड टूल के उपयोग करने से क्या हो गया पूरे आर्ट बोर्ड में जिस भी मतलब जो मेरा पूरा डिजाइन जो है उसमें एक स्पेसिफिक कलर को अगर हम चेंज करना चाह रहे थे तो एक बार में ही चेंज हो गया। बट यहीं पे इसको अगर हम मैनुअली करने जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा आधा घंटा एक घंटा खींच लेगा ये, ऐसे अगर हम मैनुअली करेंगे तो ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है, जो एडवांस लेवल पे थोड़ा सा एआई को जानते हैं तो उन सब चीजों के लिए है। अगर आप बिगेनर हैं तो आप इसका यूज करना जाने, क्योंकि अगर आप इस टाइप के काम करते हैं जहां पे बहुत सारा एलिमेंट लगा हुआ है, उस एलिमेंट के अंदर क्या है कि मतलब जो है सो बहुत सारा जो है कलर आपने डाल रखा है, तो उस परिस्थिति में क्या है कि आप इस टूल का यूज जो है बहुत ह्यूज अमाउंट पे कर सकते हैं। देखिए मैजिक वॉन्ड टूल जो है एआई में अभी नए वर्जन में आया है, पुराने वाले में ये नहीं है। तो अगर आप CX6, CX5, CX4 अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें आई थिंक ये नहीं है। तो प्लीज आप जब 2020 में ये चीजें जो है AI के 2020 अपग्रेडेड वर्जन में मैजिक वॉन्ड टूल है। सेम यही चीज जो है आप फोटोशॉप में भी करते हैं, तो फोटोशॉप में भी मेरे पास एक डिजाइन है, पैटर्न है, सॉरी पैटर्न नहीं है, एक डिजाइन है एप्पल का। तो इसको मैं एक आपको छोटे से एग्जांपल से दिखा देता हूँ। जैसे फोटोशॉप में भी आप अगर यूज किया होगा आपने मैजिक वॉन्ड टूल, जैसे मैजिक वॉन्ड टूल है, आप मान लीजिए ये एक एरिया है, अगर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो एक कलर को यहाँ पे क्या क्या इसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं किसी एक कलर को जो है सो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फोटोशॉप के लिए है, यहाँ पे जो है सो आप और डिटेल में समझेंगे जब आप फोटोशॉप यूज करेंगे तब। मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि मैजिक वॉन्ड टूल फोटोशॉप में भी होता है और AI में भी होता है, बट अभी हम लोग क्या है AI सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग AI पे फोकस करेंगे, फोटोशॉप पे नहीं करेंगे। अब सेम यही जो है, देखिए जैसे मैंने इस कलर को चेंज कर लिया, तो एक बार हम कंट्रोल जेड कर देते हैं क्योंकि हमारा फिर से वही कलर आ गया।
अच्छा अब जो हमारे पास है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के इसके आगे जो है एक और कलर है ग्रीन टाइप का, इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो अब क्या है यहाँ पे देखिए छोटे 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 बहुत सारे जो है यहाँ पे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, अगर इसको हम एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एक एक करके मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे इन सबको किसी और कलर में चेंज करना है तो क्या होगा, एक एक करके हम चेंज करेंगे। हाँ अगर इसको और नीचे कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे एक एक करके चेंज हो रहा, जबकि यहाँ पे क्या है बहुत सारा कलर है इसमें, बहुत सारा देख रहे हैं आप, बहुत सारा कलर है। अगर इन सबको मुझे चेंज करना है, पूरे पैटर्न में इस कलर को ही मुझे चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कलर मुझे पैटर्न में इसके जगह रिप्लेस करना है उस कलर को हम यहाँ से पिक कर लेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ से रेड में, थोड़ा सा चलते हैं ऑरेंज टाइप पे, या फिर थोड़ा सा रेडिश कलर को हम पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद जो है फिर से हम मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे और इसको हम यहाँ से एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे उस कलर पे, स्पेसिफिक कलर पे, तो हमारा क्या होगा सारा कलर जो है सारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट नहीं हो रखा है, बस उसी कलर का जितना भी होगा वो क्या होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बाकी कोई भी कलर सिलेक्टेड नहीं है, बस ओनली वही कलर सिलेक्ट है जिसको मैंने अभी क्लिक किया था उस कलर पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आई ड्रॉपर टूल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे इसके कलर को चेंज कर देंगे। तो देखिए हमारा वो कलर जो है चेंज हो गया। अब दो और हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे, जैसे फिर से हम लेंगे आई ये जो है मैजिक वॉन्ड टूल, और इस बार जो है हम क्या करेंगे इस ऑरेंज कलर को क्या करेंगे इसको जो है ग्रीन में चेंज कर देंगे या फिर ब्लू में, किसी भी कलर में। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ताकि आप मैजिक वॉन्ड टूल को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए यहाँ पे सारा चेंज हो गया। अब हमारे पास ये है, इस कलर को भी हम क्या करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, इस कलर को सिलेक्ट करेंगे, सारा हमारा ये कलर जो है सिलेक्ट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ से इसमें थोड़ा सा लाइट में जाके क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो देखिए हमारा जो है कलर पैटर्न चेंज हो गया कैसे करके। अब ये व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर को भी हम क्या करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल लेकर के सबको सिलेक्ट कर लेंगे और जो है आई ड्रॉपर टूल लेंगे, और फिर आई ड्रॉपर नहीं भी लेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ से कलर में जाएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कर देंगे। तो देखिए हमारा जो है हो गया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करके अपने डिजाइन को क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छे चेंज कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है इसको और थोड़ा सा हम लाइट करके देते हैं। देखिए तो मतलब मैं आपको ओवरऑल एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, इसमें मैं कोई ये नहीं कि मैं अच्छा सा पैटर्न या डिजाइन बना रहा हूँ, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। बट हालांकि दिखने में ये भी अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा कैसे मेरा पैटर्न था, पहले जो पैटर्न था मेरा कुछ अलग था, अब जो है वो कुछ अलग है। तो मैजिक वॉन्ड टूल्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब ह्यूज अमाउंट में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर कलर लगा हुआ है तो उस कलर को हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है, जैसे अगर आप मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे तीन चार, तो अगर सारे टेक्स्ट को अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट करके जैसे अगर सपोज मान लो मैं दो तीन ब्लैक कलर का ही टेक्स्ट ले लिया, अगर मैं वाली टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ये वाली टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, सेलेक्ट करके आप इसे कलर को क्या करो चेंज कर दो। तो ज्यादातर ये टेक्स्ट पे कम अप्लाई होता है, प्रयास करो कि आप ऑब्जेक्ट पे जो है ज्यादा फोकस करने का, इस पे टेक्स्ट पे कम फोकस करने का। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा वीडियोस। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जिसपे कि आपको वीडियो चाहिए एआई से रिलेटेड या फिर कोडल से रिलेटेड, फोटोशॉप से भी रिलेटेड आप चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।